खबर है सहारनपुर की। केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न निर्यात उत्पादकों के लिए रॉटेप योजना के तहत प्रोत्साहन के लिए जारी दरों को लेकर वुड कार्विंग कारोबारी और निर्यातकों में नाराजगी है। कारोबारियों ने जिलाधिकारी अखिलेश सिंह को केंद्रीय वित्त मंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि दरों में वृद्धि की जाए, क्योंकि पूर्व में संचालित MEIS दरें 5.7% थी, जबकि नई योजना रॉटेप में सिर्फ 0.01% से 2.4% है। बुधवार को इस संबंध में इंडियन इंडस्ट्री एसोसिएशन, चैंबर ऑफ इंडस्ट्री एंड सर्विसेज, हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद सहारनपुर, हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट सेंटर और वुड क्राफ्ट डिजाइन एंड डेवलपमेंट सोसाइटी के पदाधिकारी कलेक्टरेट पहुंचे। जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर कहा कि पूर्व में वुड कार्विंग के उत्पादों का निर्यात करने पर MEIS योजना के तहत 5.7% दर निर्धारित थी, जिससे निर्यात में होने वाले जोखिम को लेकर निर्यातकों को भरपाई हो जाती थी। अब रोडटेप योजना में जो दरें लागू की गई हैं, वह हस्तशिल्प निर्यातकों की अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं है। वहीं यान और फैब्रिक के लिए दरें 3.8 और 4.2% आंकी गई है, जबकि रजाई और कंफर्ट जो अपने कच्चे माल के रूप में यान और कपड़े का उपयोग करते हैं, उन्हें 0.5% पर आंका गया है। इसका अर्थ है कि कच्चे माल के निर्यात के लिए प्रोत्साहन और तैयार उत्पादों को हतोत्साहित किया जा रहा है।